ये कांग्रेस के लोग देश को डराते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बना के नहीं बना, शान से बना के नहीं बना, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई, क्या कहीं कोई आग लगी क्या, कहीं तूतू मैं भी हुआ क्या? देश भर के लोगों ने मिलकर के उस उत्सव के रूप में मनाया कि नहीं मनाया? यानी कांग्रेस के लोग जमीनी हकीकतों से कितने कटे हुए हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किस प्रकार से लोगों को भयभीत रखते हैं, डराते रहते हैं, इसका उत्तम उदाहरण है। देश में कोई आग नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस के दिलों में जो आग लगी है वो कोई बुझा नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। देश को लड़ाई लड़नी पड़ी। 70-75 साल तक उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की, अदालत में भी कोशिश की, बाहर भी की, कानून बदले ताकि राम मंदिर बने नहीं, लेकिन आखिरकार न्यायालय ने निर्णय दिया। बेटा आप वो फोटो मैंने देख लिया, बैठ जाइए, पीछे लोगों को परेशान कर रही हो आप, अब बैठ जाइए। उन्होंने जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं उन्होंने सब चीजें माफ कर दी। जिन जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था सब कुछ माफ कर दिया, और माफ करके उनके घर जाके उनको निमंत्रण दिया कि आओ नए सिरे से अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग देखिए, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। वोट बैंक की राजनीति में ये इतने डूबे हुए हैं कि वो संतुलन खो बैठे हैं। साथियों, ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा तो देश टूट जाएगा, देश में खून की नदियां बहेगी, न जाने क्या क्या कहते थे। यहां तक कहते थे जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उनको पता नहीं है ये मोदी है, ये उसको डराने के खेल बंद कर दो भाई। आप बताइए, आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? जरा थक ढंग गए हो तो जरा जिंदा होकर के जवाब दो, क्या आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्या देश में कहीं खून की नदियां भाई? और आज लाल चौक में शान से आन बान शान के साथ देश का तिरंगा लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है?